बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरामीन। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। मारूफ होना या महबूब होना, बहुत फ़र्क चीज़ें। हम कितने मशहूर हैं, कितने जाने जाते हैं, कितने लोग हमें पहचानते हैं, ये अहम है। लेकिन क्या ये इससे ज़्यादा अहम है कि कितने लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, कितने लोग हमारे साथ दिल से एक रिश्ता महसूस करते हैं, कितने लोगों के साथ हम दिली तौर पे जुड़े हुए हैं। ये जो महबूब होना है ना, ये मारूफ होने से एक बिल्कुल फ़र्क किस्म की चीज़ है और इसको फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे कि आजकल के इस दौर में जबकि हर एक शख्स को ये ख्वाहिश है और ये शौक़ है कि वो पहचाना जाए, वो जाना जाए, और ये एक ऐसा शौक़ है जो बड़ा फितरी सामर है। हर इंसान ये चाहता है कि वो जो भी काम कर रहा है उस काम में उसकी एक शनाख्त बने, उसका एक पहचान बने, उसका एक नाम बने। और इस नाम की ख्वाहिश जो है इसको लेकर हर इंसान दुनिया में आता है और वो सारी ज़िंदगी इसी कोशिश और जद्दोजहद में गुजारता है कि जो कुछ भी उसने अपने लिए मुंतखब किया है शोबे के तौर पर, उसमें वो अपना नाम, पहचान और मैार जो है उसके ज़रिए से अपने आप की एक शनाख्त बना सके। तो एक बड़ी अच्छी और अच्छी मस्बत आदत भी है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर हम इन चीज़ों को गड़बड़ करते हैं ना, इस चीज़ के साथ कि क्या हम पहचाने जाना चाहते हैं सिर्फ, या हम चाहते हैं कि लोग हमारा एहतराम करें, लोग जब हमारा नाम लें तो वो सिर्फ हमें जानते ना हों बल्कि अच्छी तरह से जानते हों, वो सिर्फ हमारे बारे में ये सिर्फ उन्हें पहचानते ना हों बल्कि उस पहचान में कुछ एक फीलिंग भी शामिल हो, और उस फीलिंग में एहतराम भी हो, उस फीलिंग में प्यार भी हो, उस फीलिंग में हमारे साथ रिलेट करने का, हमारे साथ जुड़ने का एक जज्बा और एहसास जो है वो भी शामिल हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं, इन दोनों के लिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि इंसानी रिश्ते जो हैं वो पैदा कैसे होते हैं, वो कायम कैसे होते हैं। कुछ रिश्ते वो हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं, उन पर हमारा इख्तियार नहीं है। हमें वालदैन की मोहब्बत मिलेगी ही मिलेगी अगर अल्लाह पाक ने हमारी नसीब में ये साया और ये शफ़क़त जो है वो लिख दी हुई है। बहन भाई अगर नसीब में हैं और मौजूद हैं तो हमारा उनके साथ रिश्ता सारी ज़िंदगी रहेगा, भले हम उसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकें या ना कर सकें, बहन भाई जो है वो रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी में बाकी जो रिश्ते हैं वो सब हमें बनाने पड़ते हैं, और रिश्ते को बनाने में फिर हमें कुछ मेहनत डालनी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इससे कि कोई भी रिश्ता जब ख़त्म होता है तो वो ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। रिश्ते की मौत जो है वो हमेशा कुदरती नहीं होती। रिश्ता हमेशा उस वक्त मरता है जब हम उसको वो दाएँ सब कुछ नहीं देते जो कि उसके लिए ज़रूरी होता है, जो कि उसकी खुराक होता है। सो हर रिश्ते को कायम करने के लिए ज़रूरी होता है कि एहतराम किया जाए, दूसरे का वक्त निकाला जाए, दूसरे की बात जो और उसको हमदर्दी और तवज्जो के साथ सुना जाए, उसके जज्बात और एहसासात का एहतराम किया जाए, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और प्लेस जो है वो दी जाए। जब हम ऐसा करने से कासिर रहते हैं और जब हम अपने बेतनाई बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, या फिर हम समझते हैं बदगुमानी करते हैं और दूसरे की बात को उसके नुक्ता नज़र से समझने के बजाय अपना नुक्ता नज़र जो है वो उसके ऊपर थोपने की, मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम महरूम हो जाते हैं उस मोहब्बत से जो कि किसी भी रिश्ते की असास और बुनियाद होती है, भले वो दोस्ती हो, भले वो कोई और ऐसा रिश्ता हो जो कि दुनिया में कायम किया जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पहचाने जाने के बजाय हम इस चीज़ पर भी कोशिश करें कि हम अच्छी तरह से पहचाने जाएं, अच्छे अल्फाज में जाने जाएं, अच्छे तरीके से हमें याद रखा जाए। लोग याद तो रखते ही हैं, लेकिन उनको भी जो कि अच्छी तरह से नहीं, जिनको जिनकी मतलब शोहरत अच्छी नहीं होती वजह शोहरत, वो जो मेरे जहन में मुहावरा दरअसल घूम रहा है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, जो कि गलत तरीका है। सो आज के प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, और आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात चूँकि शोहरत जाने जाना और अच्छी तरह से जाने जाना की बात हो रही है, दो ऐसी खवातीन से कराऊंगी कि जो दोनों जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, और मुझे यकीन है आगे आने वाले वक्त में और भी अच्छी तरह से जानी और पहचानी जाएंगी। दोनों के शोभा जात जो हैं बिल्कुल फ़र्क। सबसे पहले तो हम मिलेंगे हिना नसरुल्ला से, जो कि एक बड़ी बाकमाल किस्म की खातून है, बड़ी अच्छी आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको अता की है, और उन्होंने उस अल्फाज को मंसूब किया है और मखसूस किया है सना खानी के लिए, उसके साथ साथ सूफियाना कलाम। बहुत सारा हमें जो आजकल का म्यूज़िक है या वो चीज़ें हमें गाती हुई नज़र नहीं आती, बहुत मुंतखब कलाम जो है उसको बहुत शाइस्तगी के साथ, उमदगी के साथ और सलीके के साथ पढ़ती हैं। आज उनसे हमारी गपशप और मुलाकात होगी, उसके साथ उनका खूबसूरत सा अंदाज आपके सामने होगा, कुछ नातिया कलाम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, कुछ सूफियाना कलाम और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप हमसे सुनना चाहेंगे। उसके अलावा आज आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान से कराने जा रही हूँ जिन्होंने एक ऐसे मैदान में जो कि पाकिस्तानी ख्वातीन के लिए कुछ इतना जाना पहचाना नहीं है, ना सिर्फ कदम रखा बल्कि बहुत अच्छी तरह से अपने आप को उसमें मनवाया भी है। एक फुटबॉलर है और एक फुटबॉलर के तौर पर
पूरी दुनिया में अभी जानी जा रही है कि फैज़ा महमूद एक ऐसी पाकिस्तानी खातून है जो कि प्रोफेशनल फुटबॉलर है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, और ये जो सफ़र है उनका, ये वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसे माशरे में जहाँ पर कि ख़वातीन का मर्दों के शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल है, वहाँ पर उन्होंने फुटबॉल के मैदान में दौड़ना शुरू किया। ना सिर्फ दौड़ना शुरू किया बल्कि अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से प्रोफेशनल फुटबॉलर को अपने करियर के तौर पर अपनाया। सो ये कहानी भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे शेफ शराफत जो है पीएम लाउंज से बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बन रहा है जनाब आज? टेंडरलाइन स्टेक विद मस्टर्ड सॉस। टेंडरलाइन स्टेक विद मस्टर्ड सॉस। सो हम आपको ये स्टेक बनाना घर पे बताएंगे, आप किस तरह से गोश्त ले सकते हैं आज पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे किस तरह से उसकी कटिंग करनी है, कैसे एक ऐसी स्टेक बनानी है जो कि उतनी ही मजेदार बने जितनी कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ एक सवाल भी जो कि आज आप सबके लिए है, मोहब्बत करना आसान है आपके ख्याल में या मेहनत, किस में ज्यादा एफर्ट जो है वो दरकार होती है, ये आपने हमसे आज शेयर करना है। गिफ्ट्स आपके हमारे पास अमानत, और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। आमदीद और सुबह बखैर जनाब, आज मिल रहे हैं हम अपनी एक ऐसी मेहमान से जिन्हें बेहतरीन नात खां का अवार्ड जो है वो इनके हिस्से में आ चुका है। 3-4 साल से सुफियाना कलाम की तरफ आगे हुई हैं, इनकी एल्बम भी आ रही है रमजान तक, और हर जगह लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। मेरे साथ है हिना नसरुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सो रमजान तक हम आपकी नातिया कलाम की एल्बम, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ईयर आया भी था और उसमें राहत भाई की भी थी, नातें मेरी भी थी, तो इस तरह मिला के बहुत अच्छा एक एल्बम तैयार हुआ था, तो इंशाल्लाह अब भी आ रहा है बहुत जल्दी। अच्छा, और उसमें हम क्या क्या कुछ सुनने वाले हैं? उसमें आपको सूफियाना कलाम भी मिलेगा और नाते भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और कलाम एक बार भी मिलेगा सुनने का। सही, तो ये तय कर लिया है कि सूफियाना कलाम की तरफ ही रहना है या? बिल्कुल, मैंने ये तय कर लिया है और मैं अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी ये काम नहीं करूँगी तो शायद बहुत सारे लोगों को इतना जो मजबूत और पुख्ता कलाम है जिसमें पुख्तगी है वो शायद ना सुनने को मिले, और लोग अपने बातिन को खोजने की तरफ शायद ना जा सकें। सही, तो आज के दौर में बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ को जानने। अरे, टाइम लगा सोचने में, फैसला करने में, क्योंकि पॉपुलर म्यूज़िक और जो ट्रेंड्स और इन थिंग्स होती हैं, जबकि आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ भी दी है, खुशलहानी भी दी है, तो बड़ा आसान है कि उस तरफ भी चला जाए। मैं बहुत सारी ऑफर्स भी होती होंगी, बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती हैं, बल्कि हमसाया ममालिक से भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रही हैं अभी भी, बल्कि मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके, लेकिन वो सूफीज़म से रिलेट ही होके किए हैं मैंने। सही, और अभी भी मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑफर होती है इस हवाले से, लेकिन मैं वही बात करती हूँ कि जहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, मेरे जैसी बंदी अगर नहीं करेगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा, और मैं शायद सारी उम्र अपने आप को माफ़ ना कर सकूँ। तो मैं अपने आप को इस हवाले से बहुत खुश हूँ और बहुत मुतमईन हूँ इस हवाले से। सही सर, ज़बरदस्त। हम आपसे बातें तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन मैं वो शुरू नहीं कर रही अभी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम पहले आप बैठी हों तो हमदिया कलाम ना हो, नातिया कलाम ना हो, पहले हम ये आपसे सुनेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ और बातों की तरफ। तो क्या सुनाएंगी? बिल्कुल, मैं आगाज़ करूँगी वो कलाम जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में मुझे बहुत इज़्ज़त दी और बहुत से लोगों ने फिर इस कलाम को सुना। खैर, वैसे भी ये बहुत मशहूर व मारूफ कलाम है मियाँ मोहम्मद बख्श का, लेकिन मुझे इस कलाम की वजह से ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा, और वहाँ की इतनी फेमिलियर जो पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो इस कलाम की वजह से मुझे जानती हैं। अच्छा, और बाकायदा फिर इसी वजह से मुझे इंडिया गवर्नमेंट ने भी बुलाया था। अच्छा, तो मैं वो कलाम पेश करूँ। प्लीज़। उस दाना जतारन वाला किसे मैदान हरदा चला
तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 एक गुना मेरा माँ पे देखे ते दे दे देस निकाला ते लख गुना मेरा अल्लाह देखे वो पर्दे पावन वाला ते मैं अन्ना ते दिल कन रस्ता ते देखो संभाला तके दे बन वाले हो तू हद पकड़न वाला ते चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शकल बनाई ते सुपने दे विच मिले माही ते मैं गल विच पाली मामा ओ डर दी मारी हक ना किते फेर विछड़ना जावा ते हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेनु सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा हस हस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वड्याया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा महल चढ़ाया साया ते सैसे जोड़ संगत दे दिखे आखिर विथा पया ते जिन्ना बार एक पल नहीं सरेंदे ओ शकला याद ना रहिया जिन्ना बाज एक पल नहीं सरेंदे वो शक्लां याद ना रहिया ते बेली बेली सब जग निकले जान अकेली ते तू बेली ते सब जग बेली मौला तू बेली ते सब जग बेली अनबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली ते लै
हो सी जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह यानी जितना कलाम खूबसूरत है उतनी ही आपने खूबसूरत अंदाज में उसको पढ़ा और बड़ा दिल पे ना एक तरह से वारिद होता है कलाम जो कि बड़ी खूबसूरती है बहुत मियां मोहम्मद बख्श का जो कलाम है जिंदगी के तमाम पहलुओं की रोशनी की अकासी करता है क्या बेसबाती दुनिया की आप मैं समझती हूँ यंगस्टर्स हों या कोई भी हों अपने जो भी उनके मामलात जिंदगी हैं जिस भी हवाले से हैं मैं समझती हूँ कि वो सैफुल मुल्क ज़रूर ख़रीदें और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिली सुकून और तस्कीन देंगी इस कलाम की बरकत की वजह से अरे आप कब जुड़ी थी इस कलाम से इन कलामों से इन लोगों से और बिल्कुल एक तो हमारा घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा रूहानियत के हवाले से जाना जाता है बड़े भाई चूँकि मेरे इंटरनेशनली माशाल्लाह उनका बहुत नाम है सना खानी के हवाले से तो घर में अब्बू अम्मी नाम भी बता देना सब बिल्कुल सरवर हुसैन नक्शबंदी उनका नाम है और आजकल बहुत ज़्यादा फेमिलियर उनकी जो नात है वो है हुजूर जानते हैं हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अरशे मौला हुजूर जानते हैं एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है उनका कि उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं वाह क्या बात है तो आपने भी कभी सना खानी से बढ़कर लिखने की तरफ भी ध्यान ये मैं समझती हूँ जैसे आवाज़ अल्लाह ताला की देन है ये इस तरह का कलाम लिखना ये खास तौर पे अल्लाह ताला जिनको नवाजता है ये उन्हीं के लिए होता है कोशिश अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह पाक तौफीक दे तो मैं जरूर लिख सकूँ अच्छा है ना किस तरह से इस तरफ आई थी आप और मतलब भाई तो चले थे और अक्सर भाई जो कर रहे होते हैं बहनें वो नहीं करती तो कैसे आपने सोचा कि अच्छा मैं भी सना खानी या फिर खुजल खानी की तरफ आ सकती बस ये है कि अम्मी अब्बू को शौक था कि उनकी बेटी जो है वो जरूर एक मजबूत बच्ची बन सके तो और एक ही बेटी है बिल्कुल मैं एक ही हूँ अच्छा और मैंने चूंकि स्टार्ट लिया था पाकिस्तान टेलीविजन से मेरा बचपन गुजरा आई वॉज इन टू क्लास तो स्टार्ट लिया मैंने म्यूजिकल प्रोग्राम से आंगन आंगन तारे से हदीका कैनी उसको होस्ट करती थी अच्छा तो म्यूज़िक के साथ मेरा ताल्लुक जो है जब से होश संभाला वो रहा और मेरा ख्याल है जब से मैंने होश संभाला है मीडिया से और इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करती रही हूँ अच्छा। और फिर यहाँ आके फिर जब मेरी एजुकेशन भी चल रही थी तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इकबाल को मुझे असल में सही जिसे कहते हैं ना बेदार मुझे अलामा इकबाल उन्होंने किया क्योंकि हमारा बिल्कुल यूनिवर्सिटी में हमारा जो लेक्चर होता था उसमें एक एक दो दो घंटे जब हमारी क्लास होती थी तो उसमें अल्लामा साहब के जो अशार थे आप सोचें कि वाहिद उनकी क्लास ऐसी होती थी कि सोया पड़ा बंदा जो है वो उठ के बैठ जाता था इतना मुतहर्रिक करना और अपने आप को जगाना मतलब वो समझते हैं कि भी काम ऐसा जिंदगी जो है वो बिल्कुल चलना है आपने हर हालत में कोई टॉपिक नहीं है कोई मौजू नहीं है जिसके ऊपर उनकी शायरी में हमें मतलब गाइडेंस ना मिलती हो भले वो आप बात कर लें मलूकियत की उठा के या भले आप इंसान के बातिन की नफ्स की या फिर रूहानियत की या मादी दुनिया के जो तमाम कलाम में हमें फिक्र और जज्बा दोनों का इम्तिजाज नजर आता है वो खुद कहते हैं कि मेरी दवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूँ वाकिफ फिराज दरून मै खाना तो उनके कलाम की बरकत थी कि मैं बहुत ज्यादा मुतहरिक हुई मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इस तरह नहीं अच्छा। गुजारा होगा ये तो बहुत गलत बात है तो फिर मेरी ख्वाहिश भी रही कि अल्लामा साहब के कलाम से अल्लाह ताला और मियां मोहम्मद बख्श के कलाम से मुझे इज्जत दे क्योंकि ना तो मैं पढ़ती थी फिर एक टाइम आता है ऐसा कि जब आप यंग होते हैं तो बंदा सोचता है कि अब मुझे क्या करना है किस तरफ जाना है फिर मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि यंगस्टर्स जो है इन चीज़ों से बहुत दूर है क्योंकि मेरी कॉलेज में जो दोस्त थी वो मुझे कहती थी ये मतलब अल्लामा साहब का कलाम आप क्यों छुट्टी होती है मुझे तो आज तक उनके कलाम की कुछ समझ नहीं आई तो उस वक्त मुझे जवाब नहीं देना आया था कि मैं क्या जवाब दूंगी उसको लेकिन आज मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ और मुझे लगता है कि अभी कहीं मुझे मिलेगी तो मैं उसको बताऊंगी कि क्या मिलता है इसमें से क्या मिलता है और मैं तो उसे कहूंगी कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसी की वजह से मुझे भी याद है अच्छी तरह से आप भी उस प्रोसेस में से गुजरी हुई है जब आप कॉलेज में होते हैं और आपकी मतलब मेरी प्रिंसिपल मैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जिंदगी दे मिसेस निगत मौजम अली आप यकीन करो ने कहा हुआ था कि इस लड़की के लिए ना ये लाइब्रेरी खोल दिया करो ये 4 बजे तक भी बैठी रहे तो जब तक कॉलेज खुला शी कैन सिट इन लाइब्रेरी और उन्होंने कहा था मेरी तरफ से अगर ये 15 किताबें भी 2 किताबें से फिश होती हैं
20 किताबें लेके जाना चाहे फरा फरा को दे दे और ये बुक्स लेके जा सकती है. सो आई यूज टू सिट इन लाइब्रेरी एंड रीड ऑल द टाइम ना. तो उस जमाने में मैंने जो कलाम पढ़ा ना है ना अल्लामा इकबाल का, उसने आप पूरी बिल्कुल की पूरी वो चेंज कर देता है, आपके बकायदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है आप तो बिल्कुल एक फारिग जिंदगी गुजार रहे हैं, असल काम तो ये है और तरबियत कर देता है आपकी हर तरह. सो हम अपनी इस प्यारी सी मेहमान के साथ एक और बहुत डायनामिक किस्म की खातून को आपसे आज मिलवाने जा रहे हैं. मतलब उसका यही है कि सब लोग जो है वो जिंदगी में किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं हौसले और हिम्मत के साथ. एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात. आप खुश आमदेद और सुबह बखैर. आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ अपनी मेहमानों से. हिना नसरुल्ला है मेरे साथ. आज आपके साथ हमने एक बड़ी अच्छी सी स्टेक बनाना भी शेयर करना है किचन में. आप उसको जानने के लिए भी तैयार रहिएगा. और अब आपकी मुलाकात अपनी एक ऐसी स्पोर्ट्स स्टार से करवाने जा रही है जिन्होंने एक ऐसे खेल को अपने लिए मुंतखब किया जो कि खवातीन के लिए कोई बहुत मानूस सा नहीं है. आज तक फुटबॉलर जो है वो मर्द उसमें बहुत ज्यादा इन रहे. पाकिस्तान की तो फुटबॉल की जो टीम है मर्दों की वो भी कोई बहुत ज्यादा हमें नहीं नजर आई एक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा लेवल पे परफॉर्म करते हुए. हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फुटबॉल के मैदान में भी आगे बढ़ सके और क्रिकेट के मैदान में भी उसके साथ साथ. आज आपकी मुलाकात जो है मेरी एक ऐसी मेहमान से होगी जो कि फुटबॉलर है, प्रोफेशनली इसको खेल रही है और बाकी अपने अचीवमेंट जो है वो हम उनसे खुद सुनेंगे. इससे कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उनका तस्करा और जिक्र कर रही है. मेरे साथ है फाइजा महमूद साहिबा. अस्सलाम वालेकुम फाइजा, कैसी हैं आप? कोई चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कितनी दफा कर चुकी है? पाकिस्तान की अभी तक तो आई डिडंट गेट अ चांस, लेकिन वी आर द क्लब जो कि पाकिस्तान में हमने हिस्ट्री बनाई है और ये जो एजाज़ है ये किसी मेल क्लब के पास भी नहीं है जो हमारे पास है. वो क्या एजाज़ है? वो ये है कि हमने पाकिस्तान नेशनल चैंपियनशिप जो है वो 5 times विन की है और 4 times इन अ रो, 4 साल मुसलसल, 2010, 2011, 2012, 2013 और हमने ये विन किया है. और उससे पहले हम 2008 में भी चैंपियंस रहे हैं, 2009 के रनर्स अप रहे हैं. सो वी आर द ओनली क्लब इंक्लूडिंग मेल्स एज वेल जिन्होंने ये जो है विन किया हुआ. क्या बात है, जबरदस्त. तो ये इतना आपके अंदर खेल का शौक जो है ये कब पैदा हो गया था? ये एक्चुअली मैं बचपन से ही खेलती हूँ स्पोर्ट्स. आई जस्ट लव स्पोर्ट्स. आई थिंक दैट स्पोर्ट्स इज इन माई ब्लड. हालांकि फैमिली में कोई भी नहीं है दूर दूर तक भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन इट्स गॉड गिफ्टेड. हमारे यहाँ पर एक साइकी है ना, ना खेलांगे ना खेडन दवांगे. तो वो खुद तो नहीं खेलते exactly. लेकिन वो खेलने भी नहीं देते. तो आपको इजाजत कैसे मिली? एक्चुअली मुझे फैमिली से बोर्ड रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा था. अच्छा. मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सब बहन भाई बहुत मतलब एजुकेशन में अच्छे हैं. मेरे फादर ने कभी भी हमें एजुकेशन से स्टॉप नहीं किया कि आप पढ़े नहीं. ही ऑलवेज इनकरेज अस कि आप लोग स्टडी करो और आगे से ज्यादा पढ़ो. बट स्कूल कॉलेज में तो उन्होंने मुझे गेम्स अलाउ की, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन लेना है, मुझे एक क्लब ज्वाइन करना है और मुझे इसको थोड़ा सा आगे एज अ करियर इसमें आना है, सो फादर ने स्टॉप कर दिया. उन्होंने कहा नहीं, ये स्पोर्ट्स में कौन सा करियर होता है गर्ल्स का, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, दैट्स इट. इसके अलावा तो मतलब तुम सारी जिंदगी खेलकूद में तो नहीं जा सकते. और बहुत खेल लिया बचपन में, बस अब खेल के दिन खत्म हो गए. बिल्कुल ऐसे ही. और कॉलेज के बाद उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी में जाके कुछ करना हुआ तो कर लेना, अदरवाइज नो स्पोर्ट्स. और अल्लाह का शुक्र है कि मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और भाई ने सपोर्ट किया. एक्चुअली फैमिली में अगर आपको एक तरफ से भी अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर आगे जाके वो बैलेंस हो जाता है. तो मामा ने और भाई ने सपोर्ट किया एंड दे मतलब स्टैंड विद मी. और उन्होंने कहा फादर से कि आपने उसको सारी स्कूल लाइफ स्पोर्ट्स करने से नहीं रोका, कॉलेज लाइफ स्पोर्ट्स करने से नहीं रोका, और अब अगर इसको ये चांस मिल रहा है कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके खेले तो प्लीज लेट हर गो. लेकिन इसके बावजूद काफी अरसे के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई और फिर अच्छा. और अब तो पापा जो है वो मामा से ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं. अच्छा. लेकिन माशाल्लाह इतने लंबे लंबे बालों के साथ फुटबॉल के मैदान में खेलना भागना, अक्सर जो खवातीन फिर स्पोर्ट्स में आती हैं वो खासी मर्दाना लुक अपना लेती हैं, क्योंकि वो शायद सूट भी करता है कि उनके बाल बहुत छोटे कटिंग में चले जाते हैं. तो आप कैसे मतलब ऐसे देखने में लगता है कि ये लड़की जो है ना ये कोई किचन विचन कोई इस तरह की होम इकोनॉमिक्स टाइप की एक्टिविटीज है वो करती हो? मैं उन एक्टिविटीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. अच्छा. आई लव टू बेक एंड आई लव टू कुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड कुक. अच्छा. सो ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है.
बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग आई वाज अ टॉम गर्ल, ठीक है, टॉम बॉय होना चाहिए शायद, टॉम बॉय, और मेरे बाल भी बिल्कुल छोटे थे. लेकिन व्हेन आई विजिटेड यूएसए इन 2009, आई सॉ देयर कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्लेयर्स हैं उनकी भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी पोनीज हैं, और मतलब दे लुक लाइक अ गर्ल. ठीक है. इन 2008 मैं बिल्कुल लड़की टाइप नहीं लगती थी. अच्छा. हमारे यहाँ एक परसेप्शन है कि अगर कोई लड़की खेल रही है तो वो या तो बॉयज की तरह हो जाए तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा माशरे में. अगर कोई प्यारी सी लंबे बालों वाली स्लिम स्मार्ट सी लड़की है तो उसको फैमिली जो है वो थोड़ा सा और कर देती है कि पैम्पर करना शुरू कर देती है, छुपाना शुरू कर देती है सोसाइटी से, और बस कहा जाता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, पेरेंट्स और सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं करती. और ये चीज आई रियली फील दिस थिंग कि व्हाई हम गर्ल्स बीइंग गर्ल्स रह के ही उनको खेलना चाहिए. देयर इज नो नीड टू चेंज आवर आउटलुक. हम हमारा जेंडर तो चेंज हो नहीं सकता. सही. और पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि लड़कियों को खेलने के लिए लड़कों के रूप में आना पड़ता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो दो सेपरेट जेंडर्स हैं, वो दो सेपरेटली स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, मुस्कुराती भी बहुत अच्छा हो साथ साथ. जो ये मैंने स्पोर्ट्स वुमेन में इसकी भी खासी कमी देखी है, बिकॉज वही बात, दे गेट सो स्टिफ, वो इतनी ज्यादा वो हो जाती हैं कि वो शायद कम कम फिर ये खवातीन की तरह मुस्कुराहट की तरह खवातीन ज्यादा इसमें जेनरस होती हैं, है ना, है ना, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही. मर्दों की नस्बत एक्चुअली आई डोंट नो कि मैं इसलिए आपकी इस चीज में एडमायर कर रही हूँ कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना जो है ना हैंड इन हैंड, ये एक मुश्किल कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. और आपको जो स्पोर्ट्स और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं आपको ये यही सिखाती हैं, आपकी पर्सनालिटी का सिर्फ एक एस्पेक्ट हेल्थ ग्रूम नहीं होता, आप एज अ होल एज अ पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम करते हो. वैसे मतलब कितने घंटे, एक घंटा होता है तकरीबन जो आप मुसलसल ग्राउंड में भागती रहती है? 90 मिनट्स. सो मोर देन तकरीबन डेढ़ घंटा तकरीबन. हाँ, तो डेढ़ घंटे का मतलब है कि डेढ़ घंटा भागना. Well, और कुछ ना भी करें, गोल ना भी करें, आप गोल ना भी करें तो फुटबॉल ऐसी गेम है, इट्स नॉट लाइक क्रिकेट कि आपने जो है वो एक बॉलर बॉल करा रहा है बाकी सारे जो है कैच पकड़ते ऐसे 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 करते हुए ड्रॉप कर देना. फुटबॉल जो है ये 90 मिनट्स की गेम है, और 90 मिनट्स जो है आपकी बॉडी आपका माइंड ऑल द टाइम बिजी, यू कैन नॉट स्टैंड लाइक You can in cricket. So, इसके लिए stamina पे काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है वो physical fitness पे काम करना पड़ता है, endurance पे काम करना पड़ता है. Fitness तो हमारा हमेशा का मसला रहा, तो आप कैसे इस मसले से नबर्द आजमा हुई हैं? Well, कि हम तो एक unfit लोगों की fit कॉम है. नहीं, हम बिल्कुल भी unfit नहीं है, और हमें बहुत potential है. बात सिर्फ ये है कि हमें realize थोड़ा सा late होता है, थोड़ा सा ज़्यादा late होता है. मैंने फुटबॉल जो है वो 18 में खेलना शुरू किया, एंड 18 इज द एज जब किसी, जब कोई प्लेयर, कोई इंडिविजुअल अपनी पीक पे होता है. पीक पे होता है. और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो 18 वो एज है जिसमें लोग इंटरनेशनली जो है वो इवेंट्स में आना शुरू कर देते हैं. और हमारे यहाँ आप रियलाइज इतनी देर बाद करते हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और करेज इतनी देर बाद आती है कि आपकी वो एज ही निकल चुकी होती है कि आप इंटरनेशनली जाके कम्पीट कर सको. मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी अभी, बहुत अच्छी किताब भी है उस पे, उस पूरी रिसर्च पे आई है ना, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि यानी जिन ममालिक में स्पोर्ट्समैन अच्छे बड़े निकले हैं उन्होंने वो पूरी हिस्ट्री ली, तो उन्होंने देखा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर कर रही है. तो उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ कैसे मैटर कर सकती है? आप अगर साल के शुरू में पैदा हुई हैं और लीग ईयर जो है उनका है वो साल के आखिर में शुरू होता है, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे साल के शुरू में पैदा हुए चूंकि उन्हें पूरा साल मिल जाता है अगला भी, वो सीनियर लेवल पे उस टाइम पे पिक होते हैं. सो मतलब ये इतना ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया हुआ है कि बच्चे किस एज में एंटर होंगे, किस एज तक वो, उसका थीम ये था कि आपको कोई भी एक्सेलेंस अचीव करने के लिए कम अज कम 10,000 घंटे उस पे काम करना पड़ता है. 10,000 घंटों के बाद यू बिकम मास्टर ऑफ दैट स्किल, कि आप जो भी वो कर रहे होते हैं काम उसमें आपके अंदर एक कमाल आ जाता है. सो हाँ, तो महारत हासिल करने के उन्होंने ये कहा कि बच्चों को इस एज में आ जाना चाहिए इस फील्ड में, ताकि 10,000 घंटे उनके उस जिसम में अभी एनर्जी हो तो पूरी हो जाए. स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में हम उसे ट्रेनिंग एज कहते हैं. हाँ. कि एक बच्चे की ट्रेनिंग एज जो है वो जब कम्प्लीट होगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ ही इज अ मास्टर ऑफ द स्किल. बिल्कुल सही. सो हमारी वो ट्रेनिंग एज, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो, उनकी भी वो ट्रेनिंग एज वो नहीं है. अब मैंने 18 में खेलना जब शुरू किया, उससे पहले मैं बाकी स्पोर्ट्स तो करती थी, आई वाज फिजिकली फिट, लेकिन फुटबॉल को मैं अब एक महदूद उस पे जाके ही सीख सकती हूँ और खेल सकती हूँ. सही. क्योंकि जो मेरी फिजिक डेवलप होनी थी 18 ईयर्स तक
वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, जो फिजिक डेवलप होनी थी, जो मेरे अंदर स्टेमिना, जो मेरी ग्रूमिंग होनी थी एज अ फुटबॉलर, स्किल ऑफ सेट वो उस तरह से नहीं है कि हम इंटरनेशनली जाके कम्पीट करें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम जो है वो कुछ बहुत अच्छा अचीव करें। वही बात हो गई ना कि मैंने तो चूंकि स्टार्ट लिया और मैंने वो सारा काम कर लिया है, जो आप 10,000 घंटे कह रही हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर रही है, तो इसलिए अब मैं रिलैक्स हूँ। बिल्कुल है, अब अगर इस एज में आगे करती तो अब शायद नहीं हो सकता था। और मुझे इतनी कमाल बात लगी ना कि उन्होंने बड़ी 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 जबरदस्त एग्जाम्पल्स कोट की हुई, दुनिया के बड़े बड़े जीनियस पेंटर, उन्होंने कहा 10,000 घंटे मुकम्मल हुए जिस शख्स के, उसके बाद उसके काम में परफेक्शन। आप यकीन करें जब हमारी रिकॉर्डिंग होती थी तो माइक पे 8-8 घंटे, छोटा बच्चा थक जाता है खड़ा हो के, और एक चीज कोई 10 बच्चों के नगमे गाने हैं तो वो पहले रिकॉर्डिंग कर लेते थे, तो गाई जा रहे हैं तो कहते थे ये क्या मुश्किल किधर खड़ा कर दिया क्या करें, लेकिन अब समझ में आती है कि वो सारी प्रैक्टिस अब मेरे काम आ रही है। बहुत जरूरी, और मुझे तो मैं उसको सोच रही थी, वो तो खैर एक वेस्टर्न चुके रिसर्च है, मैं सोच रही थी नबूवत भी देखें जाके 40 साल में मिलती है, तो कितना उसके पीछे भी कितने घंटे कंप्लीट अल्लाह ताला भी करवाते हैं उस प्रैक्टिस के, तो 40 साल की उम्र में जाकर तो नबुवत, फिर नबुवत होती है, तो ये भी एक बात जो है नबुवत की, वो भी 40 से पहले किसी पे जहूर नहीं हुआ। अच्छा जी, आज बहुत खूबसूरत सी मेरी दोनों खवातीन मेहमान हैं और आपसे हमने नातिया के नाम सुनना है। बिल्कुल, आपने खूबसूरत बात की है, तो इस पर तो नात जरूर बनती है और बहुत फेमिलियर नात सबको आती है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते के बहुत खूबसूरत। लेकिन इस नातिया के नाम से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर शुरू करेंगे यहीं से। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ हिना नसरुल्ला से, उनके साथ मेरे साथ हैं आज फाइजा महमूद, जो कि बड़ी अच्छी प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, और इन दोनों से मिलने का मतलब यह है कि हम जान सकें कि ख्वातीन कैसे कदम ब कदम अपनी कामयाबी का सफर जो है वो तय करती हैं और कैसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज कैपेबिलिटीज और अल्लाह ताला की दी हुई खास सलाहियत को लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं। ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत सा नातिया कलाम जिसका आप जिक्र कर रही थी पहले वो सुन लें। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, हुए सुरखुरु रबाना कहते कहते, रबाना कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और मुसीबत के कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ या मुस्तफा कहते कहते, मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और दिले
मुश्तबा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत है ना. एक तो नात रसूल मकबूल वैसे ही क्या खास बात है आपकी आवाज़ में, क्यों आप बेहतरीन नात ख्वां हैं और कैसे आप बेहतरीन नात ख्वां हैं? और बहुत सारी बच्चियां जो कि घरों में पढ़ती हैं और वो भी चाहती हैं वो भी इतने ही खुश हो जाएं, क्या करें? देखें बात जैसे आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो जो आपने भी बताई है हिस्ट्री के तौर पर भी, ये बिल्कुल बचपन से ये चीज़ चलना शुरू होती है. और अगर आपको अपने काम से इश्क हो, पैशन हो, लगन हो और आप लग जाएं तो फिर इंशाल्लाह आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे. तो ये पैशन और लगन किस चीज़ की थी? लोग मुझे जाने पहचाने सराहें, मतलब क्या मोहब्बत करें, मैं तस्लीम किए जाऊं, किस चीज़ की ख्वाहिश थी? देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारा घराना दातिया नात खानी के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना जाता है. हाँ. तो बचपन से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में जावदा हो चुकी थी. सही. और गहराई से गिराई की तरफ जाना शुरू हो गई थी. फिर महाफिल में पढ़ना शुरू हो गई मैं. सही. तो फिर जब तक आपको लगन नहीं होती उस दरबार से, आपको जब इश्क ना हो तो तब तक आपकी आवाज में वो कैफियत, वो लगन नहीं आती है. लेकिन अंदर से नहीं, दिल से नहीं उठती आवाज. बिल्कुल दिल से बहुत जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मिलाद में जब अल्लाह का शुक्र है कि जब स्टार्ट होता है तो खवातीन आपको पता है उनको खामोश कराना इंतहाई मुश्किल काम है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के दुरूद पाक बस मैं स्टार्ट करती हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून को कहना पड़ता है कि अब आप खामोश हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. अब ये पढ़ रही थी, शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद लैम गिरा, वरना हम कह सकते थे कि तानसेन की तरह हिना रसुल्ला की आवाज सुन के भी चीजें जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है. बहुत खूबसूरत जी. हिना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? माजरत, आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं. हाँ नहीं, कोई बात नहीं. आपके माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, नाचा कलाम और बातें सुन के आपकी खिलाड़ी की इनके बहुत हौसला मिलता है. बाकी लड़कियों को भी इतनी मुश्किलात के बावजूद इंसान आगे बढ़ जाए तो ये उसकी किस्मत और उसके घर वाले जो है दोनों साथ देते हैं. बिल्कुल. तो ये भी आपके क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते. फरा मोहब्बत जो है वो हो जाती है, अनकॉन्शियसली हो जाती है. उसको बरकरार रखना, उसको परवान चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. और वो मेहनत भी अनकॉन्शियसली ही होनी शुरू हो जाती है क्योंकि मोहब्बत जो होती है तो जब तक ये आप पे अम्पोज ना की जाए, आपके मर्जी के खिलाफ ना चले तो ये दोनों आसानी से चलती रहती है. लेकिन जब आप पे अम्पोज कर दी जाती है तो फिर मुश्किल होती है दोनों चीजों में, मोहब्बत करने में भी और उस पर मेहनत करने में भी. क्या बात? और ये जब दो सिलसिले जो हैं वो आसानी से रवानी से चलते हैं, एक तीसरा चीज होती है जो कि लोगों की आप पे तनकीद होती है. जैसे ये दोनों ख्वातीन बैठी हैं, यकीनन ये इस मुकाम पे पहुंचे तो कोई ना कोई इन पे तनकीद जरूर होती होगी क्योंकि उनको डिस्करेज करने के लिए कुछ ना कुछ इनको जरूर किसी तरह कहा गया होगा. सही. हाँ, उस पे फिर मेहनत करनी पड़ती है. वो मेहनत जो होती है ना, थैंक यू सो मच हिना, आपने बड़ी अच्छी तरह से इस कॉम्प्लेक्स साइकी को जो है वो बयान किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया. समझ गई. और समझ गई. अच्छा, ये उन्होंने कहा मुखालफत, तो शगुफ्ता जी आपने तो बता दिया कि घर वालों की मुखालफत जो है अब खत्म हो गई है, अब सब मुआफिक है, सब ठीक है. अब घर में अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है और घर में सुकून है अब. और घर से बाहर? पहले घर से बाहर लाइक मेरे पूरे एरिया में भी आई एम द ओनली गर्ल जो कि ट्रैक सूट पहन के निकलती है और जाती है खेलने. भाई लोग पीछे आते हैं? स्टार्ट में आते थे लेकिन अब उनको पता है कि ये पूरी भाई लोग खुद बन चुकी है. सही. तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू कैरी दिस एयर कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए, आई एम सॉरी. और फिर हमारे मुआशरे में जहाँ पर हम मर्दों को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, ख्वातीन का रोल भी इसमें थोड़ा सा ना सही नहीं है. बहुत सारी ऐसी ख्वातीन जो कि बहुत सारी ऐसी हरकतें करती हैं बाज़ूकात कि जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है मर्दों के लिए भी समझना कि हर खातून जो बाहर निकल रही है वो शायद उस कैटेगरी या उस तरह की ज़हनियत या सोच या रवैये की मालिक नहीं होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो ये कैसे आपने मतलब कोई दो चार की ठुकाई उकाई करनी पड़ी? लिटरली की दो चार की तो ठुकाई लिटरली की. और स्टार्ट में ऐसा था कि जब शुरू में जब निकलती थी ट्रैक सूट पहन के
तो फादर के कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी कहते थे कि ये आपकी बेटी है या बेटा है. तो मेरे फादर कहते थे आपको क्या लगता है. तो जब ये तब की बात है जब फादर मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे, और फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी, इवन वो मुझे अभी भी समटाइम्स घर में कभी शेर दिल कह रहे होते हैं, कभी क्या कह रहे होते हैं, कि उन्होंने अब मुझे मैंने वो लेवल ऑफ ट्रस्ट गेन किया है अपने पेरेंट्स का, कि अब वो बिल्कुल मुझे इजीली कहीं पे भी जाने देते हैं. और उनको पता है कि देखो कितना खूबसूरत जिक्र है ना सुना सूरह मरियम में, जब वो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने मन्नत मानी कि मेरा बेटा हुआ तो मैं अल्लाह ताला की नजर करूंगी. तो बेटी हुई, हजरत मरियम पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेटियों से बढ़कर बेटी दी थी मैंने, बेटों से बढ़कर बेटी दी. तो बाज़ औक़ात हमें बेटी मिल रही होती है और हम कह रहे होते हैं यार अल्लाह ताला ने हमें बेटी दे दी, लेकिन वो वाकई बेटों से बढ़कर अल्लाह ताला जो है वो बेटी दे रहा होता है. जिक्र है, हदीस है या कुरान की मैंने आयत में कहीं पढ़ा है कि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उस इलाके पे जो है वो बेटी देते हैं. अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है अभी आप ही के, शायद आपने बताया है कि आप ब्रेड अर्नर हैं अपने घर की, जिसका मतलब है कि आप कंट्रीब्यूट करती हैं, लेके चलती हैं. हाँ, अब कंट्रीब्यूट थोड़ा सा करती हूँ, लाइक बहन भाई हम सभी जो हैं वो अब अर्निंग स्टेज में आ चुके हैं. सो यानी ये शौकिया शौकिया नहीं है, घर की जिम्मेदारी भी कंधों पर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयरिंग पे है. हमारे फादर ने मतलब बचपन से ही, हम वी आर 4 sisters and 3 brothers, तो हम पे घर का काम भी बांटा होता था. अच्छा. कि एक ने बर्तन धोने, एक ने कपड़े धोने, एक ने खाना पकाना है. सो इसी तरह से अब आप कौन से वाला काम लेती थी. मैं सारे काम करती थी, मैं सबसे शरीफ वाली बच्ची थी इन कामों में. अच्छा, और एक स्टेज ऐसी आई, इतना नहीं थी, मैं कहती थी घर का कोई काम नहीं करना, बिल विल जमा कराने वाले सारे काम बाहर के काम. अच्छा, एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि मुझे लगता था कि अच्छा अगर मैं खेलने जा रही हूँ तो बीइंग गर्ल मेरे पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने घर का काम भी करना है. अच्छा, और अब जो है मैं क्या करती थी, क्योंकि मुझे खेलने का इतना शौक था, इतना पैशन था, कि मैं कॉलेज जाने से पहले घर की सफाई करती थी, फिर कॉलेज जाती थी, और फिर वहीं से मैं खेलने जाती थी, और फिर मैं शाम को वापस आती थी, ताकि ये ना हो कि मेरे फादर ये कहें कि ये लड़की है. हाँ. अब ये खेलने के लिए जा रही है, तब ये और कोई काम नहीं कर, और उसके साथ एक और साथ चीज अटैच रहती है तो खराब होगी, ये खराब होगी. Exactly. तो अगर आपको कुकिंग नहीं आएगी तो आपके खानदान वाले कहेंगे बस खेलती जो है, बस इसने खेलना ही खेलना है, इसको कौन से घर गृहस्थी के काम आने हैं. लेकिन मेरी मदर, बिल्कुल मजे की बात ये है, सॉरी आपकी बात काट रही, मेरी पप्पो भी कुछ दिन पहले रहने आई थी, तो वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती कि वो टीवी पे आती है और ये वो बस यहाँ यूनिवर्सिटी चली गई पढ़ने, तो मतलब इसको तो कोई काम आता ही नहीं होगा. तो वो अम्मी सो रही थी, तो अब्बू ने कहा कि तुम अपनी पप्पो को नाश्ता दे दो. तो पप्पो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती मुझे रोटी बनानी आती है या मैं कोई खाना वाना अरेंज कर सकती. तो खैर हमें तो पप्पो ने फील नहीं कराया, बाद में जाके पप्पो ने सारे मोहल्ले में और रिश्तेदार में बताया कि मेरी बेटी तो उसको तो रोटियां भी बनानी आती हैं और इतनी अच्छी रोटी बनाती है वो, और सारा काम कर लेती है. तो उनके लिए कि लोग आपको पास आके चुटकियां काट के नहीं देखते कि आप असल वाला इंसान है कि नहीं है. क्योंकि बहुत सारी दफा ना खवातीन को खवातीन से कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना, बिल्कुल बल्कि खवातीन से तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये एक मुश्किल. अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं आप. मैं ठीक हूँ, आप भी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत दिल कर, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ. कभी कभी तो मैं कॉलेज से भी छुट्टी करती हूँ आपका प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, आपका टॉकिंग में हर एक चीज. अच्छा, और नाथ खुआ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके नाथ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो पंचतन की गुलाम हूँ ये भी. और आपके सवाल का जवाब फराब ये है कि मेहनत ज्यादा जरूरी है, अपने काम पे फोकस करके उस पे दिल लगा के जब आप काम करोगे ना तो आपकी मेहनत से हर चीज में आप कामयाबी हासिल करेंगे. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. जैसे मुझे अब आपसे एक गिफ्ट चाहिए, आप चूंकि मुझे पता चल गया आपकी कॉल मिलाने से ही पता चल गया, और आज जो सब लोग कॉल कर रहे हैं और शो में शामिल हो रहे हैं उन सबके लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत से गिफ्ट हैंपर्स हैं, हम आपको जरूर भेजेंगे. ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. बातें हो रही हैं कुछ घर गृहस्थी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है किचन में चलते हैं. और आज हमारे शेफ जो हैं वो बना रहे हैं स्टेक. इस तरह के खाने वाने बनाती हैं आपके, जरा देसी माहौल चलता है. देसी माहौल मेरी मामा बनाती हैं और आई लव टू कुक समथिंग डिफरेंट. अच्छा, टिपिकल हांडियां पकाने का शौक नहीं है पका लेती हूँ, लेकिन आई लव टू कुक समथिंग डिफरेंट. बिल्कुल सही, लेकिन आज किचन में हम आपको लेके चलेंगे, हमारे शेफ बना रहे हैं समथिंग डिफरेंट, तुम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में, और शेफ शराफत जो है आज हमें स्टेक्स बनाना बता रहे हैं, सो घर में सीखने के लिए तैयार रहिएगा.
खुश आमदेद और सुबह बखैर। अब हम बना रहे हैं टेंडर लाइन स्टेक विद मशरूम सॉस, मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस, चलें जी, कैसे बनेगा? पहले सबसे पहले हम स्टेक को जो है ना बनाने का आपको बता दूंगा। हमारे पास इस तरह के फिले आते हैं, ठीक है, इसको जो है ना हम बराबर करके हैमर करते हैं और एक शेप में लेके आते हैं, जिस तरह ये शेप होता है। सही, लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि अगर ये फिले जो है ये तो इस शक्ल का होगा। जी जी, अगर इस शक्ल का होता है, इस शक्ल का होता है, ठीक है। इसको हम जो है ना यूं करके बराबर करके हैमर करते हैं। अच्छा, हैमर करके इसको प्रॉपर 250 ग्राम का एक स्टेक बना लेते हैं, ठीक है, जो इस शेप में आया बनता है। बेसिकली टेंडर लाइन जो है ना ये गाय का पुट का गोश्त होता है, जो छोटी पसलियों के निचले हिस्से में होता है। सही, ठीक। छोटी पसलियां कहाँ होती हैं? पूरी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो इसमें भी जो है ना टेंडरलाइन में भी जो है ना हमारे पास जो है ना टू काइंड ऑफ मीट होता है। अच्छा, एक चॉइस मीट और स्टैंडर्ड मीट। स्टैंडर्ड मीट जो है ना ये 2.5 साल से कम उम्र के गाय जानवर का होता है, जिसे हम बछड़ा कहते हैं। यस, सही, जो 2.5 साल से कम का होता है और उससे ऊपर का जो है ना वो चॉइस मीट कहलाता है। अच्छा। जो थोड़ा सा उसके निस्बत सख्त होता है। और हमारे यहाँ पे गोश्त हमें तो लड़का लड़की की उम्र नहीं सही पता होती है, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो बछड़े की उम्र तो कसाई हमेशा 2 साल से कम ही बताता है। जी, अभी तो फिर हम क्या करें, गोश्त सख्त होता है तो फिर क्या करें? इसके लिए हम जो है ना टेंडरलाइजर यूज कर लेते हैं। अच्छा, जो गोश्त को नरम कर लेता है। तो टेंडरलाइजर कैसे लगाना है और कैसे? टेंडरलाइजर के लिए जो है ना इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, जिसमें हम यूज करते हैं रेड वाइन विनेगर, अच्छा, शुगर, साल्ट और ग्रीन हर्ब्स यूज करते हैं, पुदीना, धनिया, हाँ। इसमें ऑनियंस भी डाल देते हैं और इन सब को मिला के मिक्स करके इनको जो है ना अंदर डाल के रख लेते हैं। थोड़ी देर में इसका जो अपना स्मेल भी होता है वो भी नरम हो जाता है और गोश्त भी अच्छा, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, ये एक थोड़ा सा तरीका है, लेकिन अगर ज्यादा सख्त हो गोश्त तो फिर आपको कोई ना कोई टेंडराइजर जो है वो यूज करना पड़ेगा। लगा के उसे थोड़ी देर रख दें, फिर धो लें, फिर ये जो इन्होंने बताया है रेड वाइन सिरका, और इसमें थोड़ा सा आप बता रहे हैं डिफरेंट हर्ब्स जैसे थाइम है, बेजल है, ओरिगानो हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये चीजें। तो इसका एक महलून सा बना के थोड़ी देर उसमें रख दें तो जो एक गोश्त की खास महक होती हुई निकल जाएगी। अब क्या, अभी हम जो है ना स्टेक की सबसे पहले मैरिनेशन करूंगा मैं आपको। मैरिनेशन में डालूंगा डिजॉन मस्टर्ड, ठीक है, ऑलिव ऑयल, सही। घर में जब हम साल्ट, ठीक है, नमक हाफ टी स्पून। घर में अगर हम स्टेक बनाएं तो वो व्हाइट पेपर सख्त बनती है, क्यों? वो मीट पे डिपेंड करता है ना मैं। अच्छा, सही। और ये रोजमेरी डाली आपने? जी, रोजमेरी डाल दी। सही, अब इनको मैं जो है ना मिक्स कर दूंगा। और अपनी स्टेक जो कि आपने रेड वाइन विनेगर, रेड वाइन विनेगर, साल्ट, पेपर और हर्ब्स डाल दिए इसमें, थोड़ी सी हर्ब्स डाल के उसमें हमने रखा हुआ है डिप करके, वो निकाल कर अब इसमें मैरिनेट करेंगे हम। सही, तो शगुफ्ता कितना, किस तरह की रेसिपीज चलती हैं? कितनी फ्रीक्वेंट? नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं बनाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, जॉब भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, खेलती भी हूँ। अच्छा, वंस इन अ वीक। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और आप क्या, आज क्या बना रहे हैं आप लोग? शगुफ्ता हमारी कॉलर का नाम जी, कमल नाम है, कमल, कमल जी, कमल जी, जी फरमाइए। तो आज आप क्या बना रही हैं? बहुत अच्छे शेफ को बुलाया हुआ है आप। आज हम स्टेक बना रहे हैं, टेंडरलाइन स्टेक। अच्छा अच्छा, हाँ, जो हम मुश्किल से घरों में बनाते हैं ना, आज हमने कहा बहुत मुश्किल से बनता है, आज आसान तरीका देख लेंगे हम। बिल्कुल सही, और मेहनत और मोहब्बत दोनों में से आपके ख्याल में क्या ज्यादा आसान काम है? आसान तो दोनों ही नहीं है, मगर मोहब्बत तो सबसे पहले माँ से ही बंदा करता है, जो भी बंदा हो या बंदी हो, तो सबसे पहली मोहब्बत तो माँ होती है, ठीक है, वो तो बहुत आसान होता है माँ से मोहब्बत करना, औरों से मोहब्बत करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि उनके लेवल तक पहुँचे पहुँचे हम खत्म हो चुके होते हैं, जितना भी कुछ कर ले। बिल्कुल ठीक, मेहनत का ये है कि जितनी हम मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, मोहब्बत करने के लिए भी मेहनत बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रफीजा, आप बता रही थी कि कम कम जाती हैं आप किचन में? बहुत ही कम जाती है। नहीं, बहुत कम नहीं जाती, वंस इन अ वीक चली जाती है। अच्छा, और उसमें ड्यूटी लगी हुई है कि कौन सा दिन आपने जाके करना है? नहीं, अब तो ड्यूटीज नहीं है, बिकॉज़ अब जॉब भी करती हूँ। जब कैसे मैनेज करती है ये, है ना, देखिए तो सही, जॉब भी कर रही है, पढ़ा भी रही है,
ये दोनों फर्क फर्क काम है जी, दोनों फर्क फर्क काम है। और फिर आप खुद खेलती भी हैं? खुद खेलती भी हूं। और फिर घर के काम भी करती हैं? एग्जैक्टली। ग्रेट मल्टीटास्कर। तो कैसे मैनेज करती हैं? स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपको सबसे पहली चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट सिखाती है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जब आपको खेलते हैं आपको पहुँचना होता है टाइमली, आपको जब ग्राउंड पे गोल करना है तो वो भी टाइमली करना है, आपके पास 90 मिनट्स है और 90 मिनट में आपको परफॉर्म करना है। तो मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही लगता है कि मैं कोई मैच खेल रही हूँ डेली बेसिस पर। जिंदगी का मैदान है ना, जिंदगी भी एक मैदान है बिल्कुल, और इसमें भी हार जीत की बाजी लगी हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा जी शेफ, अब आप साथ मस्टर्ड सॉस बना रहे हैं? मस्टर्ड सॉस में बनाऊंगा, ठीक है। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? अभी सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल डालेंगे, ठीक है। और ऑलिव ऑयल डाल के उसके बाद में जो है ना गार्लिक डालूंगा, थोड़ा सा लहसुन जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें से, ये हम अक्सर बड़ा गोश्त खाते हैं, ये उसको खाने का एक बड़ा जरा ट्रेंडी सा तरीका है, मॉडर्न सा है ना, हम पसंदे और इस तरह की चीजें बनाते हैं तो उससे उसी से मिलता जुलता तकरीबन ये एक वेस्टर्न स्टाइल है, मगर आप करी फ्री में बनता है ना सर? जी मैम। अच्छा अब आपने लहसुन को थोड़ा सा सौते करना है, लहसुन को ब्राउन करेंगे, उसके बाद जो है ना मैं मस्टर्ड डाल दूंगा। अच्छा मस्टर्ड सॉस ये इसमें डालना है सिर्फ, या फिर पेस्ट डालेगा या फिर वो? नहीं नहीं, मस्टर्ड का पेस्ट डालूंगा, इसको फिर जो है ना सोते करूंगा इसी में, फिर उसमें क्रीम ऐड करेंगे और जो है ना टेस्ट डाल दूंगा। सही। अरे है ना, आप जब कुकिंग करती हैं तो आप साथ साथ गुनगुनाती भी हैं क्या? बिल्कुल चल रहा होता साथ साथ, साथ साथ, लेकिन ये कि मुझे पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि अब खामोश हो जाओ काफी हो गई है। अच्छा आसपास वाले बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अच्छा आपके घर से इसका मतलब है आसपास से गुजरे तो आपकी गुनगुनाने की आवाज आ सकती है? बिल्कुल आती है, और कई दफा मुझे बहुत डांट पड़ती है कि आहिस्ता पता नहीं चल रहा बाहर आवाज जा रही है, कहां दूर तक आवाज जा रही है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं? बिल्कुल दुआएं की जरूरत है, हम सबको दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मिसेस नजर साहिबा। अच्छा मेहनत या मोहब्बत आपके घर में क्या आसान? मेरे ख्याल में मेहनत, आपके घर करेंगे बिल्कुल, आपके घर में मेहनत करना ज्यादा सहल है? बिल्कुल। अच्छा सहल है उनके घर में मेहनत करना सहल है? सही कह रही हूँ, मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मोहब्बत करना, और मेहनत करना आसान है। मोहब्बत से तो हम किसी के दिलों को जीत तो लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है यार अगले के दिल में क्या क्या है, ये क्लियर है हमसे कि नहीं है। सही, बिल्कुल सही। और आपका जो बहुत अच्छा जा रहा है, जितने भी हम देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला हम जरूर इसकी रेसिपी को फाइल करेंगे। थैंक यू सो मच मिसेस नजर, गॉड ब्लेस यू। हमारा गिफ्ट जब आपको मिलेगा आपने जरूर हमें बताना है कि आपको कैसा लगा और कब मिला। और यहाँ पर हमने अपनी स्टेक्स जो है, अरे ये वेल डन मीडियम डन कैसे पता चलेगा कि अब हम इसे बना रहे, क्योंकि हम लोग तो बहुत पका के गोश्त खाने के आदि हैं ना, तो हमें इस तरह के गोश्त में डर लगता है कि यार ये शायद कच्चा ना हो, ये पता नहीं इसे थोड़ा और पका लें, फिर होता है कि वो इतना सख्त हो जाता है कि हम कहते हैं स्टेक तो हमें बनानी नहीं आती। इसके लिए जो है ना अभी दौर जदीद में जो है ना ये थर्मोस्टेट आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा इसकी ये जो टेम्परेचर होती है इसमें, अच्छा 60, 100, 120, 140 से लेके 200 तक। अच्छा ये टेम्परेचर होती है। क्या बात है जनाब, हांडी का थर्मामीटर भी आ गया। ये नहीं अब हांडी को अगर कितना बुखार कितना का आपको टेम्परेचर, कौन सा कैमरा ले रहा है कौन सा, वो आप उस पर गेज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इसमें, इसमें पूरे वो है लिखा हुआ सारी की सारी चीजें। ये तो बहुत आसान हो गया है ना, इसका ये भी 80 से कम होगा तो ये टेम्परेचर आपको रेयर आपका कच्चा है गोश्त। अच्छा ये जाके 200-180 तक जाएगा तो ये वेल्डन है। जी और अगर मीडियम वेल करना हो तो मीडियम वेल आपका रेडी है। तो अभी चेक करें, अभी आपके ख्याल में आपका तजर्बा क्या कहता है कितना? ये रेयर है अभी, ये रेयर मीडियम रेयर। अच्छा तो रेयर से थोड़ा सा आगे ही है तो अभी ये नहीं है। जी जी बस अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अभी आपने इसमें मस्टर्ड डाला, मस्टर्ड डाल दिया। ये चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी इस तरह की? ये मार्केट से मिल जाती है, मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर से अच्छे वाले। क्या जाके कहें उनको कि ये हमें दे दें स्टेक का थर्मोस्टेट, स्टेक का थर्मामीटर दे दें, ठीक है? आप थर्मोस्टेट कर रहे हैं, हमने जी स्टेक का टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए हमें थर्मामीटर दे दें उसका। गुड, इंसान का भी वैसे इससे मेजर किया जा सकता है कि खाली स्टेक का ही होगा? सबका होगा मैं। सही। ये मैं अभी इसमें क्रीम ऐड कर रहा हूँ, ठीक। ये तकरीबन
100 ml इसमें जाएगा सारा कुछ। अब कुकिंग भी कितनी मॉडर्न हो गई है, तो गेम भी इतने मॉडर्न और टेक्नोलॉजीज उसमें आ गई हैं, तो हम लोग हैं कोप कर रहे हैं इन चीजों के साथ की दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स की ट्रेनिंग है उसको भी एडवांस होने की जरूरत है इफ वी वांटेड टू यू नो मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जब हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो आई थिंक वी शुड रियलाइज दिस थिंग के नाउ दिस इज द टाइम कि अब हमें अपने प्लेयर्स के ऊपर भी जो है वो बारीकी के साथ काम करना है, उनकी फिजिक पर, उनकी एक एक चीज को जो है वो लेकर चलना है। असल में ना हमने बड़े कामयाब सियासतदान पैदा किए सारे अरसे में, पिछले सारे अरसे में वो हम, और हम सारे अब सियासतदान हो गए हमें, हम सारे बातें नारे दावे बड़े अच्छे कर लेते हैं, काम करने की दफा हम सारे फारे है ना। सही, तो इसको शेफ चेक करने की जरूरत है? नहीं मैम, अभी आपने चुपचाप इसमें क्या क्या कुछ डाल दिया? इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसमें अभी हर्ब डाल दिए, ओरिगानो डाल दिए और टेस्ट डाला साल्ट व्हाइट पेपर और क्रश ब्लैक पेपर डाल दिए। ठीक है, ये भी रेडी हो रहा है, बिल्कुल सही। और इसके साथ हमने अपने, मैंने कल आपको कह रही थी कि ईट कलर्स ऑफ रेनबो, तो देखिए हमने पीले कलर की शिमला मिर्च भी काट के रखी हुई है, हमने वहाँ पे बीन्स रखे हुए हैं, गाजरें रखी हुई हैं और जुई चीनी रखी हुई है, और क्या क्या कुछ है शेफ वो ग्रीन वाला और क्या? This one और ब्रोकली, ब्रोकली का पिछला वर्ष। अच्छा, ब्रोकली के जो पीछे डंटल होते हैं। यस, ठीक है, आगे ब्रोकली भी है लेकिन पीछे डंटल समेत हमने इसे रखा हुआ है। और अब हम इन तमाम चीजों को आपके सामने, उसको सौते करेंगे आप? जी मैम, इसको सौते करेंगे और स्टेक के साथ सर्व करेंगे। ऑलरेडी आपने बॉइल की नहीं है? जी बॉइल्ड है, हल्की 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 बॉइल है, इसको ब्लंच कर ले। इसको सौते करने का क्या तरीका? इसमें ऑलिव ऑयल और गार्लिक डाल के इसको टॉस कर लेते हैं और टेस्ट डालते हैं साल्ट एंड व्हाइट पेपर और ओरिगानो। ठीक है, और इसका मैं टेम्परेचर चेक कर लूं, मुझे बड़ा दिल चाह रहा है प्लीज। ये अभी ये तकरीबन मीडियम हो गया। नहीं आप करें, मैं देखती हूं कितना है शेफ, आप देखें। अभी ये 100 पे आ रहा है, ये 140 तक जाएगा तो ये मीडियम ऑयल होगा। अच्छा, तो अभी इसको मुझे पकाने की जरूरत है। यस, तो अब ये मसला हल हो गया कि हमें पता नहीं चलता था कि स्टेक कब तक निकालना है। आप बता रहे हैं कि 140 तक का टेम्परेचर नाप के फिर उतार लेना। यस, क्या बात है, जबरदस्त। तो हम एक ब्रेक के लिए रुके हैं, आप रेसिपी पे नजर डालेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, कुछ और बातें और कुछ और म्यूजिक जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सुबह बखैर, किचन में हमारे शेफ अभी तक स्टेक जो है उसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि उसका कुकिंग टाइम जो है वो हम पूरा करेंगे और फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन पर रखेंगे आज की हमारी जो स्टेक है जिसको कि हमने मस्टर्ड सॉस के साथ बनाया है। ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन आपको अच्छा लगेगा। हिना नसरुल्ला आज मेरी मेहमान है, फैजा महमूद आज मेरी मेहमान है, बड़ी जबरदस्त किस्म की फुटबॉलर है और इनसे गपशप क्या इंजॉय करती हैं ज्यादा, खेल के मैदान में जब होती हैं, जब पढ़ा रही होती हैं बच्चों को कि खेलना कैसे है, या फिर जब घर के काम काज कर रही होती हैं? मैं सब चीज़ों को इन्जॉय करती हूँ, आई इन्जॉय ऑल द थिंग्स। और सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स जो मेरा पैशन है, जो मेरा क्रेज़ है, स्पोर्ट्स। कब तक इरादा किया हुआ है कि रिटायरमेंट लेनी है? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आई रियलाइज कि मुझे आगे भी प्लान किया हुआ है कि जब खुद खेलना बंद कर दूंगी तो इट डजेंट मीन कि मेरी स्पोर्ट्स जो है या मेरा पैशन या मेरा लव जो है वो स्पोर्ट्स के लिए कम हो जाएगा। और थैंक्स टू अल्लाह कि अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है एंड कुछ मेरे एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं। क्या है? मैं अपनी एक फुटबॉल टीम बनाऊँ जो कि किसी इंटरनेशनल टीम में जाए पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज आई एम दिस लाइसेंस्ड कोच। पाकिस्तान का पहला लाइसेंस था जिन फीमेल्स के लिए, वो पहला लाइसेंस था आज से कुछ साल पहले और आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट और मैंने वो सक्सेसफुली किया। और अभी इट इज़ माई ड्रीम कि मेरी एक टीम बने जो कि इंटरनेशनली यूरोपियन लीग में जाके पार्टिसिपेट करे और पाकिस्तान की लड़कियां जो है, पाकिस्तान की खवातीन वहाँ पर
फुटबॉल के मैदान में परफॉर्म करें. वेरी गुड, जबरदस्त. सर, क्या हम किसी से कम है? क्या हमारी खवातीन, जैसे हमारे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमें लगता है यार कमबख्त फिट नहीं है उतने जितने दूसरे हैं, स्किल नहीं है उतना जितने दूसरे हैं. पॉइंट जो आपने बोल दिया, फिटनेस, हमारी जो फिटनेस लेवल है, लाइक व्हेन आई विजिट यूएसए, सो वहां पे मैंने देखा कि उनकी जो फुटबॉलर्स थी, देयर थाइज वर लाइक दिस बिग और हमारी इतनी सी थी. क्योंकि उनके ऊपर काम हुआ हुआ है, वो ग्रो अप ही एज अ फुटबॉलर हुई हुई है. उनके जो मसल्स हैं वो इतने टोन थे और इतने मतलब दे वर लुकिंग सो गुड. और एज कम्पेयर टू देम, जब हमने अपने आप को देखा तो हमारी तो उस तरह से वो फिजिकल बिल्डअप ही नहीं हुई हुई. हम जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड काइंड ऑफ अ लोग हैं. जो एक होता है लाइक मेहनत करके कोई लोग प्लेयर बनते हैं. स्टेट ने मेहनत की हो, इदारे ने मेहनत की हो, टेकअप किया हो कि अच्छा इस बच्चे में टैलेंट है, पाकिस्तान के लिए एक सरमाया हो सकता है, इसको अब हम बचा के अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज करें, वो काम नहीं हुआ. ये काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हुआ. बाहर के मुल्कों में जो बच्चा पैदा होता है तो वो देख लेते हैं कि स्लो ट्विचर है या फास्ट ट्विचर है, इसको किस ये किस किस गेम में चल सकता है. जो स्लो ट्विचर मसल्स वाले लोग होते हैं वो जो लंबे दौराने की गेम्स होती हैं उनमें अच्छे होते हैं. जो फास्ट ट्विचर मसल्स के हामिल लोग होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो गेम्स होती हैं वो उनमें अच्छे हैं. लेकिन ये कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही नहीं, नहीं पता ही नहीं होगा किसी. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग, आई डोंट नो मुझे करना भी चाहिए या नहीं चाहिए. कि पाकिस्तान में लाइक हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के तौर पर देखना चाहता है. व्हाई नॉट एज अ फिजिशियन, व्हाई नॉट एज अ स्पोर्ट्स डॉक्टर? हम स्पोर्ट्स मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं आते? पूरे पाकिस्तान में 4 डॉक्टरेट हैं स्पोर्ट्स के. सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि हम जो ऑलमोस्ट 20 करोड़ की आबादी होने को जा रहे हैं और इस 20 करोड़ की आबादी में हमारे पास सिर्फ 4 डॉक्टरेट हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स में जिन्होंने पीएचडी की हुई है. ठीक है. सो मेरा तो एम्बिशन है कि आई वांटेड टू डू पीएचडी. वाह गुड, जबरदस्त. मैंने अभी रिसेंटली एमएससी की है और इसके बाद एमफिल का भी इरादा है. पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ने लिखने वाले लोगों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, खेल में नहीं लगता, खेलने वाले लोगों का पढ़ाई में नहीं लगता. आपका दिल हर जगह पे लग जाता है, मुझे तो बड़ी यूनिक टाइप का दिल लग रहा है. मुझे एक्चुअली ना मेरा सिर्फ पढ़ने को भी, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई की तरफ हो जाऊँ तो भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता, अगर सिर्फ गेम की तरफ हो जाऊं तब भी मेरा दिल नहीं लगता. लाइक मेरी मदर ने कहा कि अब आप तुमने मास्टर कर लिया, सो इट्स एनफ, अब बस कर जाओ. उन्होंने ये नहीं कहा कि अब शादी करनी है तुम्हारी यही कहा उन्होंने बड़ा हा? तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, मतलब मुझे अपनी लाइफ में अल्लाह ताला ने जब तक सेहत दी हुई और हिम्मत दी हुई और हौसला दिया हुआ है, सो आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग. बड़ा मर्दाना ख्याल है कि जब तक सेहत है तब तक मैं ठीक हूँ, जब बीमार पड़ने लगूंगा शादी कर लूंगा. जब किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी तब सीखेंगे कि शादी की ऐसी बात नहीं है. लेकिन मुझसे एक जगह लाइक आई कांट यू नो कि मैं बैठ जाऊँ फारिग और मैं कुछ ना करूँ, नहीं. मेरे अंदर जो क्रेज है, मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल है, उसको ही मुझे जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज में जाना पड़ता है. एंड दिस इज द थिंग, जब आपके बच्चों को, आपकी नौजवान नस्ल को, आप उनके एग्रेशन को निकालने के लिए, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो वो ऑफ कोर्स नेगेटिव चली जाएगी. एनर्जी तो उनके अंदर है और उसने बाहर भी निकलना है. सो हमें चाहिए, यूथ बॉम्ब कहते हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह जो है पाकिस्तान में इस यूथ बॉम्ब को डिफ्यूज करने की बड़ी जरूरत है. इसलिए कि हमारी 60% आबादी जो है वो तकरीबन 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मबनी है, जो किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इतना बड़ा तवानाई का जखीरा नहीं है जो हमारे पास नौजवानों की सूरत में. अगर हमने इस बॉम्ब को डिफ्यूज ना किया टाइमली तो इसका जो पॉजिटिव चीज पे अगर ना किया तो वो ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज पे जाके जो है वो बन जाएगा. अच्छा, तो हिना जी फिर आपका वक्त जो है उसमें क्या क्या कुछ कैसे उसका मसरफ होता है? नई धुने बनाती हैं? मुझे मुताले का बहुत शौक है. अच्छा. और मेरी कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले जो है कोई एक आध किताब पकड़ लेती हूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ. अच्छा. लाइक इकबाल को पढ़ती हूँ, बुल्ले शाह को, और इस तरह हमारे जो खुर्शीद गिलानी, वासिफ वाले वासिफ, और इस तरह की जो डिफरेंट बुक्स हैं उनको स्टडी करती हूँ. यानी ज्यादा एक ही टाइप, वो जो एक स्पिरिचुअल, उसकी वजह ये है कि मेरा जो काम है मैं समझती हूँ कि उसमें फिर आपको प्रॉपरली उस तरफ जाना चाहिए. आपको कुछ कहते हुए परफॉर्म करने के बाद या उससे पहले आपको बताना चाहिए कि ये क्या फरमा रहे हैं. सही. और क्या मकसद है. सही, बिल्कुल सही. अच्छा, आपसे एक और कलाम की फरमाइश हम करेंगे कि आप बैठी हुई आपकी खूबसूरत आवाज से हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकें. उस भी गया और मैंने और हम दोनों ने इसको मिलके गाया, तो ये मैं पेश करती हूँ.
अल्लाहु 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 बहुत खूब। अरे ये जैसे अभी स्पिरिचुअल एलिमेंट का एक जिक्र हो रहा है, एक डिवाइन पावर जो बाज़ औक़ात इंसान की ताकत को मल्टीप्लाई कर देती है बाय 100, कि इसको कभी एक्सपीरियंस किया और कितना मैदान में उतरते हुए, और जब आप खून की थाइस बड़ी बड़ी नजर आए और अपनी नहीं अपनी मतलब अपनी कैपेबिलिटीज कम नजर आए, तो कैसे फिर इन चीजों से फिर भी उतरना मैदान में। ये एक बड़ी बात है, हरीफ आपको ताकतवर नजर आ रहा है, आपको पता भी है कि शायद मैं ना इसमें जीत सकूं, लेकिन आप मैदान में उतरते हैं और पूरे हौसले से उतरते हैं और फिर लड़ते हैं। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है, आपको डेयरिंग भी बनाता है, और अपने ओपोनेंट्स को हम कभी भी जो है वो अपने से कमज़ोर भी नहीं समझते और अपने से अपने ऊपर उसको हावी भी नहीं करते। सो जिस तरह के हमारे ओपोनेंट्स होंगे उसी तरह की स्ट्रेटजी से हम चलते हैं कि अगर हमसे कोई बेहतर आ रहा है तो हमें एज अ टीम उसको किस तरह से जो है वो लेके चलना है, हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है कि हम उनके ऊपर ओवरकम कर सकें। और अगर अगर हमसे कुछ नीचे भी है कोई टीम तो उसके अगेंस्ट हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है कि उसको हमें किस तरह से कम्पीट करना है। सो स्पोर्ट्स जो है वो आपको सिखाती है, और आई थिंक अभी जो इतना ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ जाती है हारने के बाद, जीतना और हारना जो है इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर कोई हारेगा नहीं तो कोई दूसरा जीतेगा कैसे? तो इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, और स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो आपको सिखाती है कि हाउ नाइसली यू हैव टू बियर योर लॉस, कि आप अगर हार गए हैं कोई गेम तो आपको कितना जीतने बड़े दिल के साथ उसको एक्सेप्ट करना है और फिर आगे जो है नेक्स्ट अपने उसके लिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, कौन सा प्लेयर पसंद है आपको फुटबॉलर? खुद फुटबॉलर में मुझे एक मार्टा पसंद है, फीमेल जर्मनी की प्लेयर है, और लियोनेल मेसी बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्र है, इस नाम से मैं वाकिफ हूँ क्योंकि क्योंकि मेरे बेटों को ये बहुत पसंद है। 007 रोनाल्डो जो है वो तो सबके फेवरेट प्लेयर्स हैं। क्या क्या है? CR7 CR7 उसका तो मुझे नंबर भी याद है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थैंक्स टू माय बॉयज ना, क्योंकि वो लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा है। अब बच्चों में मेरा ख्याल है फुटबॉल का ट्रेंड, आजकल फुटबॉल का ट्रेंड ये मतलब ये जो हमें क्रिकेट क्रेजी नेशन का जो टैग लगा दिया जाता है ना हम पे,
जबकि हमारी नेशनल गेम जो है वो हॉकी है. सो व्हाट आई थिंक, मैं अब जो जॉब भी कर रही हूँ एक स्कूल में और मेरे अंडर काफी सारे ब्रांचेस हैं, सो आई हैव सीन कि हमारे तो बच्चे सभी गेम के लिए क्रेजी हैं. दे आर क्रेजी फॉर स्पोर्ट्स, कोई एक स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है. थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो क्रिकेट का टूटा फूटा सा एग्जिस्ट करता है, जिसमें भी अभी क्लब लेवल क्रिकेट को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन बाकी के तो अभी कोई स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि हमारा 70% 80% जो स्पोर्ट्स बजट है वो सारा क्रिकेट पे ही यूटिलाइज हो जाता है. अगर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और स्पेशली जो हमारी नेशनल गेम है, और हमारी नेशनल गेम हॉकी है, और वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस गेम है दैट इज फुटबॉल. अब फुटबॉल के वर्ल्ड कप में मोर देन 200 टीम्स जो पार्टिसिपेट करने आती हैं, जबकि क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 14-16 मैक्सिमम जो है वो टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं. सो वी शुड यू नो फोकस ऑल द गेम्स, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू द हायर अथॉरिटीज. क्रिकेट में चीजें कम चाहिए होती है ना, एक बैट, एक बॉल और बाकी दुआएं. तो इसलिए फुटबॉल में तो काम करना पड़ता है आपको, 90 मिनट भागना पड़े तो सबके हैमस्ट्रिंग्स पुल हुए होंगे, सारे लेटे होंगे अगले दिन ग्राउंड से बाहर. अच्छा हिना जी, आपने ये जो जीतना हारना ये सारा कुछ जिंदगी में, मतलब एक स्कूल लेवल कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन से प्रोफेशनल लेवल तक आना बिल्कुल रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके अब तक जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, खैर अब तो नहीं करती, अब तो एज ए जज ही जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा पोजीशन जो है वो फर्स्ट ही मिलती रही है. सही. तो पता अच्छा होता था मैं जीतने जा रही हूँ. पता क्या होता था, बस उस वक्त टांगे कांप रही होती थी और पसीने छूट रहे होते थे, और ये होता था कि अगर सेकंड पोजीशन भी आ गई तो बड़ी डांट पड़ेगी. हाँ. और उन्होंने कहना तुम अपनी तैयारी नहीं करती, रियाज नहीं करती हो, ख्याल नहीं रखती हो, इसलिए ये सारा कुछ. अच्छा, रियाज करती हैं, बस सीखा है किसी से बाकायदा नहीं सीखा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम अच्छे बेहतरीन कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया जिनका बहुत नाम है माशाल्लाह से, तो बाकायदा तो नहीं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखती रही हूँ. सीखने का अमल जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा. ये बहुत मुश्किल काम है. अब आके मुझे लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो इतनी आसानी से गा देती थी, और लेकिन अब लगता है कि ये तो, क्योंकि वो जब इतने बड़े बड़े नाम आपके सामने बैठे हो, पहले नहीं फील होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो समंदर है और इसको पार करना इतना ही मुश्किल है. बिल्कुल सही. बस ये कि अल्लाह की जात है जो हमेशा आसानी करती है. बिल्कुल, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां जो है वो करता चला जाए. हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. खुश आमदेद और सबब खैर. हिना नसरुल्ला मेरे साथ रहीं, आज फैजा महमूद मेरे साथ रहीं, जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की फुटबॉलर हैं, उनसे हमारी गपशप मुलाकात हुई. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना. और हमारी आज की रेसिपी बड़ी कमाल किस्म की टेंडरलाइन स्टेक विद मस्टर्ड सॉस, जो कि शेफ शराफत ने आप लोगों के लिए बनाई है. बाहर के रंग आपको हमारे प्लेटर में भी नजर आ रहे हैं, और ये बाहर के रंग जो हैं इसको अपनी जिंदगी में खाने में शामिल करना भी बड़ा जरूरी है, ताकि हम अच्छी हेल्दी चीजें जो है खा रहे हों. ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा इसको बनाना. इजाजत लेने का वक्त है, और जाते जाते अपनी सक्सेस टिप अगर आप शेयर कर सकें, अपनी कामयाबी की कोई आपकी अगर कोई कुंजी है तो. बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि कामयाब पेशरफ्त और कामरान जिंदगी गुजारने के लिए अपनी तवानाइयों और अपनी सलाहियतों को खालिस दूध की तरह रखें. क्या बात है, बड़ा मुश्किल कह तो बड़ी आसानी से दिया आपने वैसे, खैर लेकिन इसके लिए बड़ा बहुत सर्वाइव करना पड़ा है, बहुत ज्यादा. तो वो मशक्कत कैसे होती है, वो रियाजत कैसे होती है? अगर आप ईमानदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरी नेक नियति के साथ अल्लाह पर तवक्कल रखें तो इंशाल्लाह हो जाता है, रस्ते और मंजिलें आसान हो जाती है आपकी कामयाबी की, जो अभी तक यहाँ तक पहुँचना अगेंस्ट द टाइड. बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप सोच लेते हैं
तो बस पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दिलो जान के साथ उस चीज़ पे लग जाइए और उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो है वो पूरी मेहनत के साथ कोशिश करें और अल्लाह ताला फिर आपको मायूस नहीं करते। बिल्कुल सही। जस्ट टू बी ऑन द लाइट नोट, जान का नाम क्या है? सही। अच्छा, इन इन चीजों पे भी, ये जिंदगी में ये लांचे भी शामिल हैं? नहीं, SMS, फोन, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। सही। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे। जिस मैदान में भी आप उतरे उसमें अल्लाह ताला करे कि आप सुरखुरू हो और हिम्मत के साथ मुकाबला करने की आपके अंदर ताकत हमेशा रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक खूबसूरत सा कोई गीत कुछ भी जो ये बहुत खूबसूरत कलाम है और मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है और फर्स्ट टाइम मैं आप ही के प्रोग्राम में पेश कर रही हूं। बहुत शुक्रिया जी। सब खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। दिलबर सोना की कर यार पावां बेड़े साड़े बढ़दा नहीं पै लख वसीले पावां ते नाम सोनी रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल तू जाके भुल गए तू जाके भुल गए मेरे ख्याल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल तेरे नगर जा रही है ऐ डगर तेरे नगर नू जा रही है ऐ डगर मैं भूल गया जनू बनू दुमाल नू रब जानदा दिला दे हाल नू रब जानदा दिला दे हाल रब जानदा दिला दे हाल नू रब जानदा दिला दे हाल के मैं भी रोलवा
Hello.